ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और वो दही फुल्के हैं, बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, और ये हमारी जो है वो शकरकंदी की चाट थी जो क्योंकि हम लोगों ने खा ली है। भाई अल्लाह मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं है मेरे पास इतने अच्छे बाल, मुझे बहुत क्या हो गया, और हालत बहुत बुरी है गाइस। हाथों में इतना दर्द हो रहा, उंगलियाँ दुख रही अब से, ये सब चीज़ें चमका चमका के थक गई। अच्छा मेरा इरादा था कि मैं ना रात में जाऊँगी या देख कर आऊँगी कुर्बानी के जानवर को, वैसे उनको सलाम वलाम करके आएंगे, प्यार व्यार करके आएंगे, बट इस वक्त हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है सैटरडे 15th of June, ठीक है भाई, और आज से जो है ना ईद की छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट, ठीक है भाई। परसों आप लोगों को पता है कि भाई परसों पाकिस्तान में ईद है, ठीक है, और ये ईद तो मुझे लगता है लड़कों की ईद होती है, इस ईद पे लड़कियों का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं देखा कुछ खवातीन पूरी भरपूर तैयारी करती हैं ईद की, ठीक है। लेकिन भाई खैर मुझे इस ईद पे कुछ इतना ख़ास मज़ा नहीं आता था ये, और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस ईद के लिए कोई इतना ख़ास तैयारी वगैरह की हो, कपड़ों वगैरह की, ठीक है। सो खैर इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही सीने, कपड़े पड़े हुए पहन लेंगे, वैसे तो मुझे तो इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। इन अदर न्यूज़ गाइस, आप लोगों को पता है कि भाई हज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और माशाल्लाह से सऊदीया में जो है वो हज चल रहा है, और आज आई गेस 7 ज़िलहज है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आज जो है ना मम्मी ने रोज़ा भी रखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो बस अभी जो है वो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हुए, तो मैं चले आपसे कर लेते हैं कनेक्ट। सो भाई अभी फ़िलहाल जो है वो तैयारी चल रही है अम्मी के अफ्तार के लिए, ठीक है भाई, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी कनेक्ट कर लेते साथ ही। एनीवेज गाइस आज है फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आज क्या क्या रूटीन बनती है हमारी, सही है, आ जाए फिर। भाई पर्दे मैंने आगे कर दिए हैं, बहुत शदीद किस्म की धूप आ रही है भाई। भाई गाइस कराची फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, मतलब फिर से क्या, थोड़ा बीच पर टेम्पो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन आज का जो है वो 2-4 दिन से फिर पीक पे गर्मी, ठीक है। और अभी मैं फिलहाल पंखा बंद करके आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पंखे की आवाज़ होती है तो वो पंखे की गड़गड़ ज़्यादा आती है और बंदे की बात की आवाज़ कम आती है, सही है। सो खैर भाई आप लोगों के लिए मैं इतना कर रही हूँ गाइस, पंखा बंद करके आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो एक काम आप लोग भी मेरे लिए कर सकते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है। सो गाइस ये देखें अम्मी कट कर रही हैं आम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है, रोज़ा कैसे गुजर रहा है आपका? सही है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी क्या बना रही हैं आज आप? मैंगो का मैंगो, स्वीट मैंगो, कुछ समथिंग मज़े मज़े का। सो गाइस रोज़ा अफ्तार हो चुका हुआ है, ठीक है, अभी हमारे काम पूरे हुए नहीं थे, ये अजाने हो गए, ठीक है, लेकिन खैर चेक कर लें आप लोग क्या क्या बनाए। भाई ये जो चीज़ है ना ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और वो दही फुल्के हैं, बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, और ये हमारी जो है वो शकरकंदी की चाट थी जो क्योंकि हम लोगों ने खा ली है। तो बस अभी खा के नमाज़ पढ़ के फिर आप उसे करते हैं जी गाइस। सो भाई नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हो चुके हैं, और मेरा जो प्रीवियस अभी क्लिप था जो आप लोगों ने देखा जिसमें मेरे बाल यूँ बम फटे हुए वो मैंने अभी चेक किए, अब उससे खैर रीटेक तो हो नहीं सकता था, प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा गाइस, ठीक है। भैया अल्लाह मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, क्यों नहीं है मेरे पास इतने अच्छे बाल, मुझे बहुत क्या हो गया, दुआ करें मेरे बाल सीधे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो भाई नेक्स्ट डे हो चुका हुआ है, ठीक है भाई, आज है संडे और अभी जो है फिलहाल शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। आज सुबह से जो है वो आपकी बहन लगी थी लॉन्ड्री में, ठीक है भाई, आज बहुत सारे बेडशीट्स थी और कुछ कपड़े भी थे जो कि वॉश करने बहुत ज़रूरी थे, ठीक है, क्योंकि हमारी मासी जो कपड़े धोती हैं वो बीमार हो चुकी हैं, ठीक है, वो नहीं आ रही काफ़ी दिनों से, सो अब कपड़े हमें खुद ही धोने होते हैं आजकल, ठीक है। सो खैर बस अभी जो है वो लॉन्ड्री वगैरह से फारिग हुई थी, मैंने कहा चले आप उनसे कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है, और हालत बहुत बुरी है गाइस। हाथों में इतना दर्द हो रहा, उंगलियाँ दुख रही अब से, ये सब चीज़ें चमका चमका के थक गई, ऑल इज़ नाउ नीट एंड क्लीन, क्योंकि काफ़ी सारे काम जो है वो निबट गए अल्हम्दुलिल्लाह से। सो गाइस ये चेक करें आप, मेरा रूम माशाल्लाह से फुल चमक रहा है, ठीक है, और बस मेरा बस चले तो ये मैं बेड को ऐसे ही रखूँ, इसको बिल्कुल भी ख़राब ना होने दूँ। कई चीज़ों को मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आप भी सारा कुछ नया ले लिया, सब कुछ नया कर लिया, लेकिन उनको साफ़ रखना चमका के रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है भाई, हालत बुरी हो जाती है। और छुट्टी वाले दिन तो आप यकीन करें घर के काम ही ख़त्म हो गए, कल भी यही हुआ, कल भी मैं रात तक जो है वो लगी रही हूँ, इवन ये कि मेरा तो मूड ख़राब हो गया, लिटरली गैस कर मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया भाई, काफ़ी दिन हो गए अपने कहते मैं आई नहीं, मैंने कहा से हवा से ज़रा मज़े तो लें, शामें अच्छी हो जाती है कराची में, ये फ़ायदा है, वैसे कि दिन भर तो बड़ी गर्मी है, ठीक है, लेकिन यहाँ बाहर खड़े हो जाओ शाम में क्या हवा है। भाई
सूरज बाबू आप देख रहे हैं बादलों में फंसा हुआ है, कभी आगे हो रहा है और कभी पीछे हो रहा है, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है सुबह। सो भाई मगरिब की नमाज़ पढ़ के हो चुके हैं फारिग, ठीक है भाई। आज भी अम्मी का रोज़ा था, अम्मी का कल और आज दोनों दिन का अम्मी ने रोज़ा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रोज़ा जो है वो बहुत अच्छे से मुकम्मल हो गया, सही है, अल्लाह ताला कबूल करे। और सेकेंड ये कि भाई कल इंशाल्लाह ताला ईद है, आज तो सऊदीया में ईद हो गई है, जो लोग हज पे गए थे उनका हज कभी फरिजादा हो गया, सही है, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें भी बुलावा भेजे हज का ताकि हम भी ये फरिजादा कर सकें, सही है। और बस अब तो वाकई मेरा तो काफ़ी टाइम से एक दिल कर रहा है कि बस अब मैं जल्दी से वहाँ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी अर्सों हो गया मैं वहाँ पर गई ही नहीं हूँ, ठीक है। और बस दिल तो अब बार बार वहाँ के लिए तलब कर रहा है, दुआ करें गाइस जल्द से जल्द आपकी बहन का भी बुलावा आ जाए। सो भाई आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकी, एक्चुअली मेरा फ़ोन जो था वो बिल्कुल डेड होने वाला था, तो मैंने कहा थोड़ा चार्जिंग पर लगा देती हूँ। सो खैर अभी फारिग हुई तो मैंने कहा चले आप लोगों से कर लेते हैं कनेक्ट। सो भाई फिलहाल चल रही है चांदा, ठीक है, और बॉयज़ स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज तो सारे जो है वो अपने गाय बकरे टहला रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि भाई सुबह तो उन्होंने हो जाना है कुर्बान, ठीक है। अच्छा मेरा ही इरादा था कि मैं ना रात में जाऊँगी या देख कर आऊँगी कुर्बानी के जानवर को, वैसे उनको सलाम वलाम करके आएंगे, प्यार व्यार करके आएंगे, बट इस वक्त हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। आज आपकी बहन की सही बैंड बची है भाई कपड़े धोके और हालत बहुत बुरी है, ठीक है। सारे इतना मुझे पसीना आया है, अभी आप शायद देख भी रहोगे कि मेरा जो है ना पूरा फेस पूरा रेड हो रहा है और इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, सही है। तो वो स्किन जो है ना वो पसीना आके बार बार साफ कर करके वो लग रहा है कि स्किन अब इस पर जल रही है, ठीक है, कुछ ऐसी सूरत है अभी। तो खैर इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं मैं, ठीक है गाइस, और बस अब सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि भाई इस वाले ब्लॉग में मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो रही है, सही है गाइस, बस ब्लॉग बना दिया है मैंने, आई डोंट नो कि अभी कैसा बना है, ठीक है, लेकिन आप लोग खैर देख लीजिएगा, ठीक है। एनीवेज इस वाले ब्लॉग को मैं फिर यहाँ पे करने लगी हूँ एंड, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।